तुम्हारा जी प्रश्न है, हमेशा सच्चे ईमानदार और मेहनती इंसान की ही परीक्षा क्यों होती है, और जो चालाकी करते हैं, सामने कुछ पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें और ऐसे लोगों को सीख क्यों नहीं मिलती महाराज जी? अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों होती जी महाराज जी? मैं आपसे पूछता हूँ, कसौटी पर तो सोने को ही कसा जाता है, पीतल को थोड़ी, बोलो जी महाराज जी। अच्छे लोगों की परीक्षा केवल इसलिए होती है क्योंकि वे अच्छे लोग, अच्छे नहीं होते तो परीक्षा का सवाल क्यों? पर महाराज जी बार बार होती है ना। होने दीजिए, जितनी बार कसा जाएगा उतने निखरेंगे। हम अगर अपने आप में अच्छे हैं तो परीक्षा में सोचना क्या, जो पढ़ता है वही परीक्षा देता है, निरक्षर गंवार थोड़ी परीक्षा भवन में जाता है, बोलो जी महाराज जी। हाँ, और फिर देखिए आजकल तो परीक्षालय ही जीवन है, हम अपने जीवन में परीक्षा देने जाते हैं जी महाराज। क्यों जाते हैं? ताकि हमें इस बात का पता लग सके हमने कितना सीखा जी महाराज जी। तो ईमानदारी की परीक्षा प्रकृति लेती है कि जांच लिया जाए कितना ईमानदार है जी महाराज जी। बेईमान तो भ्रष्ट है ही, उसका क्या परीक्षा लेना, समझ गए जी? तो ईमानदारी को परखने का भी तो अवसर मिलना चाहिए, इसलिए किसी ईमानदार निष्ठावान धर्मात्मा की कभी परीक्षा हो तो उसको घबराना नहीं चाहिए, उसके गर्व का एहसास करना चाहिए कि मैं इस लायक हूँ कि मैं हर परीक्षा में सफल हो रहा हूँ। जैसे लौकिक जीवन में एक परीक्षा पास करते मन में हर्ष होता है, दूसरी करते तो कहते दूसरा भी कर लिया, तीसरी करते तो तीसरी, चौथी, पांचवी, हर परीक्षा में जो जो पास होते हर्ष होता है कि नहीं जी महाराज जी? बोलो जी, क्यों जी? मैं इस परीक्षा में पास हुआ ये मेरी उपलब्धि है, है? तो ऐसे ही जीवन की परीक्षा में भी अगर मेरे पास जितनी परीक्षाएं दो, खुले मन से दो और पास होकर के साबित कर दो कि हम खरे हैं, खोटे नहीं, हर बार पास हो, पास होके प्रमाणित करो कि हम खरे हैं खोटे नहीं, घबराना नहीं, हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि परीक्षा सतियों की होती है, बेश्याओं की नहीं, उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। मजबूत बनिए, घबराइए मत, जब भी ऐसी कोई परेशानी आए उसे अपने लिए एक चुनौती के रूप में देखिए और अपनी कुशलता से उसे एक उपलब्धि में परिवर्तित कर दीजिए। ये क्षमता हर किसी इंसान में होती है, तो उसे हम अपने भीतर विकसित करेंगे, सुनिश्चित तौर पर वह हमारे जीवन में घटेगा। अब आपने पूछा है भ्रष्ट लोगों को सीख क्यों नहीं मिलती, सीख मिलती है लेकिन वो लेना नहीं जानते, समझ गए? हम प्रायः विषमता को, विफलता को सीख मानते हैं, पर मेरी दृष्टि में केवल विफलता सीख नहीं, व्याकुलता भी बहुत बड़ी सीख है। जो भ्रष्ट लोग हों कदाचित सफल दिखते होंगे पर निराकुल नहीं, बहुत व्याकुल दिखते हैं, है ना? एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज आजकल बेईमान किस्म के लोगों के पास अपार दौलत होती है, शोहरत होती है, उनकी धांक होती है, सब कुछ होता है, मतलब बिल्कुल होता है, पर उनके घर के भीतर झांक कर देखो उनकी असलियत क्या पता लग जाएगा, वो 24 घंटे भय के साए में जीते जीते जी महाराज जी। तो ये क्या है, ये सीख नहीं है क्या जी महाराज जी? जिस पेड़ को जहर से सींचा जाएगा उस पेड़ में मीठे फल नहीं लग सकते, ये बात गांठ में बांध के रख ले। वो पेड़ को लहलहाता तो देख रहे हैं पर जब फल पक कर आएगा तब उन्हें पता लगेगा। इसलिए इसे ध्यान में रखना। जब मैं राजस्थान में बिहार कर रहा था, एक इलाके में, राजस्थान में सांगानेर की तरफ से गेहूं की ऐसी लहलहाती फसल दिखी, पूरे इलाके में उस पूरे की पूरी पट्टी में जबरदस्त क्रॉप, मुझे लगा कि यहाँ की जमीन की उर्वरता बहुत है, फर्टिलिटी अच्छी है। मैंने बातचीत की, बोले नहीं महाराज इसका रहस्य दूसरा है। बोले क्या?
यहाँ इस नाले का जो पानी है ना, जहाँ सांगानेर के एरिया में कपड़े के प्रोसेसिंग का काम होता है, तो गंदा पानी, केमिकल वाला पानी, जहरीला पानी, उसको सींचते हैं। बोले वो पानी सींच रहे हैं, फसल तो अच्छी है, पर ये सब गेहूं में दुर्गंध आती, उस इलाके के गेहूं में दुर्गंध आएगी। लोग ये गेहूं ले जाएंगे, दिखेगा दाना अच्छा पर स्वाद है खराब, समझ गए, ये सीख है। तो मैं ये कहूँगा, भ्रष्ट आदमी सफल दिख सकता है पर निराकुल नहीं होगा, उसके अंदर व्याकुलता होगी। और ईमानदार आदमी विफल हो सकता है पर व्याकुल नहीं होगा, प्रसन्न होकर के जिएगा, यही उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि।